ये है ईयर ऑसिकल्स, क्या ये ईयर ऑसिकल में तीन बोन मिलेंगी, ये दिख रही है आपको, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मैलियस इनकस स्टेप जानना चाहता हूं, इसमें से एनविल शेप की कौन सी है, एनविल शेप की कौन सी है सितांशु? नहीं, कौन सी है? इनकस है। मैंने आपको बताया था मिस हास, मिस एम आई एस, मिस हास एच ए एस, हैमर, एनविल और स्टीरअप। तो ये देखो, ये स्टीरअप शेप की है। देखो घोड़े चढ़ते ना, घोड़े पे बैठते हैं घुड़सवारी करने के लिए, तो ये ऐसा रहता है ना, उस पर पैर डाल के फिर बैठते हैं, तो वो है ये ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, ये बोन मिडिल ईयर में होती है, किसमें होती है? जिससे पूछो और जवाब देगा, बीच में नहीं बोलेंगे। ये बोन यानी मिडिल ईयर का फंक्शन क्या है, ठीक है ना? ओके साहिल, एम्पलीफाई करना, इसलिए मिडिल ईयर को एम्पलीफायर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे छह ईयर ऑसिकल होते हैं, तीन इस कान में और तीन इस कान में। ये इसमें सबसे छोटी बोन कौन सी है राग? स्टेप सबसे छोटी होती है, ठीक है। जानना चाहता हूँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई कौन सी बोन होती है अनुष्का? जैनिश, मैलियस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी। जानना चाहता हूँ स्टेप्स किससे अटैच होती है? ओवल विंडो से, यानी स्ट्रोवेलिस, ठीक है ना बच्चों। ओके आगे बढ़ते हैं। इतनी हो गई कौन सी स्कल, तो स्कल में कितनी बोन होती है? तो 22, क्या बोलते हैं? 12 क्रेनियल और 8 क्रेनियल और 14 फेशियल, ठीक है। कितनी हो गई? 22 हो गई। अब ऐसा लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में मिलेगा आपको कि पूरे स्कल में 22 बोन होती है, फिर आगे एक लाइन मिलेगी, इन दीज 22 बोन फ्यू बोन्स आर आल्सो इंक्लूडेड। उसमें बोलता है कि हायोइड भी इंक्लूड करता है, ईयर ऑसिकल भी इंक्लूड करता है। अब भगवान ने करे ऑप्शन में 29 दे, 22 तो हो चुकी, छह ईयर ऑसिकल जोड़ दी कितनी हो गई? 28, और एक हायोइड जोड़ दी तो कितनी हो गई? तो अब कभी कभी ऑप्शन में 29 भी आता है और कभी कभी ऑप्शन में दोनों आते हैं, 22 और 29, पर आप 22 पे मार्क करना कि स्कल में कितनी बोन होती, तो 22, ठीक है। स्कल की कवरिंग कौन बनाता है ऊपर से? क्रेनियल बोन, ठीक है ना। और उसका बेस और फ्रंट कौन बनाता है? फेशियल बोन्स, एक साथ बोलो ना, ठीक है ना। ओके